हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल Up-pcs पाठशाला। अभी हमारा Up-pcs 2018 का प्री एग्ज़ाम संडे को हुआ है और एग्ज़ाम पहली चीज़ तो पेपर कैसा आया था उसके बारे में हम बात करेंगे। देन फिर अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे इस वीडियो में, ताकि जिनका जो बॉर्डर लाइन पे हैं या फिर जिनका क्रॉस हो रहा है तो वो आगे मेंस के लिए प्रिपरेशन करें, शुरू करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जब लास्ट ईयर का मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था तो सेम वही ही आयोग का कट ऑफ था, और मतलब कि वो एकदम सेम था। तो सोशल मीडिया पे चाहे आप यूट्यूब ले लो, चाहे फेसबुक ले लो या अदर्स, बहुत सारे सर्वे करने के बाद में मैं ये कट ऑफ बता रही हूँ। और मैं इस कट ऑफ बताने से पहले सबसे पहले तो ये बताऊँगी, जो पेपर का जो लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट था। ईजी टू मॉडरेट, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, तो मैं ये कहना चाहूँगी बहुत ईजी हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए, बट अगर पेपर ओवरऑल बात करें तो कोई भी पेपर ईजी नहीं होता है। और अगर पेपर बहुत ईजी था तो उसी तरीके से कट ऑफ जाती है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जो भी एग्ज़ाम देने जाता है अगर इतना ईजी है तो फिर सारे जो जितने भी लोग हैं वो 130 140 क्वेश्चन से ही कर ले नहीं कर पाते ना। तो पेपर ऐसा नहीं कि हलवा है कि आपने उसे बनाया और उसको खा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर ठीक था, मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे। और फर्स्ट टाइम चूँकि Up-pcs ने माइनस मार्किंग रखी है 1/3, तो ये तो डेफिनेटली है कि कट ऑफ जो है वो थोड़ा डाउन जाएगी। पर चूँकि पेपर जो लास्ट ईयर 2017 की बात करें, वो पेपर जो था उससे थोड़ा सा ईजी था, बट एकदम ईजी नहीं बोलेंगे। कंपेरिजन अगर करें 2017 और 2018 में, वो ईजी था। वो ईजी इसलिए आयोग ने बनाया था, इजी मतलब हम नहीं बोले, मॉडरेट बोले उसको, कि ताकि जो फर्स्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग है, वैसे भी ऑलरेडी बच्चे बहुत डरे हुए हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, कैसी कट ऑफ जाएगी, क्या फाइनल सिलेक्शन होगा, कितने मार्क्स पे होगा, तो इसलिए पेपर को एक मॉडरेट रूप दिया गया कि ताकि जो सारे बच्चे हैं वो जो हैं जो हमेशा से कट ऑफ चली आ रही है तो वो उतनी मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा एक दो नंबर नीचे जाए, दो चार नंबर, बहुत ज़्यादा डाउन ना हो जाए कि एकदम से बहुत डाउन हो गई या 50% पे आ गई। तो इसलिए पेपर के लेवल को उस तरीके से जितने भी विशेषज्ञ हैं वो तैयार करते हैं, तो उन्हें ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पता होती हैं कि हमें पेपर कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो ये जो बार बार बातें कही जाती बहुत ईजी था, बहुत ईजी, मुझे लगता है ये गलत होगा सारे एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि सारे ही बहुत मेहनत करते हैं। किसी ने अगर 90-95 किए हैं उसने भी मेहनत की है, और जिसने 80 या 75 किए हैं या 82 किए, जितने भी किए उन्होंने भी मेहनत की है। बट ये होता है कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर एक कभी कभी चीज़ें आते हुए भी हम गलत टिक कर आते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जिसने कर लिया तो वो बहुत बहुत ज़्यादा होशियार है, या किसी के अगर 5 नंबर कम आ गए तो बहुत वो अच्छा नहीं है पढ़ने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर बहुत अच्छा था, पेपर बहुत मॉडरेट था, और बड़ा सोच समझ के पेपर आयोग ने बनाया है। तो अगर हम बात करें, जैसे इस बार सीट बहुत ज़्यादा है, 1000 एपअप सीट है। ठीक है, तो लास्ट टाइम जितनी सीटें थी उससे तो काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, तो डेफिनेटली कि लास्ट टाइम जो सिलेक्शन हुए थे 14000 के कुछ आसपास हुए थे, उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे मेंस के लिए। ठीक है, लेकिन प्लस एक फैक्टर जो निगेटिव मार्किंग आ रही है, तो इससे जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगी, और वो जो डाउन जाएगी वो आपको कहीं ना कहीं, जो मेरा मानना है, चूँकि पेपर बहुत ठीक बना था, तो बहुत ज़्यादा अगर कुछ गलत क्वेश्चन होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर सधा हुआ बंदा, जिसको बहुत आता है, उसने भी अगर कम से कम भी गलतियाँ, क्वेश्चन उसके गलत हुए होंगे, वो मुझे ऐसा लगता है 12 से 15 क्वेश्चन तो उसके गलत हुए ही होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 क्वेश्चन का डिफरेंस जो निगेटिव मार्किंग में आएगा वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए आगे आपको कट ऑफ बताती हूँ। ठीक है, पर हाँ एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप कट ऑफ में हो, लास्ट टाइम मैंने यही कहा था, कट ऑफ में हो या नहीं हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस ये देखो कि लास्ट टाइम आपने जो किया, हो सकता है कि लास्ट टाइम जिस बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, बंदी का नहीं हुआ हो, इस टाइम वो होपलेस हो जाए। मैं ये कहूँगी कि आप बस ये चेक ना कि लास्ट टाइम जो आपके मार्क्स थे उससे अबव है। अगर आपके 5 मार्क्स भी अबव है ना, लास्ट टाइम मान लो आपके 75 थे, इस बार आपके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 80 तक पहुँचे हो, तो मैं ये कहना चाहूँगी आप जो है वो निरंतर जो है वो आगे बढ़ रहे हो, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और जो वो समय आएगा डेफिनेटली आप Up-pcs क्लियर करोगे, या Up-pcs जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, ये मैं कॉमन कह रही हूँ सबके लिए, आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपको कभी होप जो है वो नहीं खोनी है। तो चलिए हम कट ऑफ की बात करते हैं।
मेरे हिसाब से जनरल और ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 91 to 95 क्वेश्चन जाएगा. ओके, लास्ट टाइम जो था वो 97 के समथिंग कुछ गया था, तो मैं इतने 91 to 95, मतलब इस इतने भी अगर आप हैं जनरल हो, चूँकि ओबीसी और जनरल में 1 या 2 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, इवन कभी कभी सेम भी कट ऑफ होती है, तो आप जो जनरल मेल हैं वो आप बिल्कुल प्रिपरेशन शुरू कर दें. और मुझे लगता है कि वेट आप कट ऑफ पे हो ही नहीं हो तब भी मेंस की प्रिपरेशन तो करनी है ना. अगर आपको आपने सोचा आपको पीसेस बनना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है. मान लो पीसा इस साल कट ऑफ में नहीं हो तो आप अगले साल तो निकालोगे, ऐसा तो नहीं कि इस बार कट ऑफ नहीं हो तो आप बंद हो जाओगे, आप बुक्स बंद कर दोगे, नहीं नहीं इस बार कट ऑफ में नहीं तो मुझे नहीं पढ़ना है. मेंस आपको तब भी देना है, मेंस ही आपका क्लियर कराएगा. मैं उन सारे बंदों को एक बात कहना चाहूँगी जो सोचे मैंने प्री निकाल लिया, तो प्री निकालना डेफिनेटली नो डाउट कि बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने एटलीस्ट एक स्टेप ऊपर तो चढ़ा कि आप प्री तो निकाले. बट फिर भी ये कहना चाहूँगी कि प्री जो है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग, आपने एक स्टेप चढ़े हो, लेकिन अभी जो मेन युद्ध है वो मेंस है, और उसके बाद फिर सोचिए इंटरव्यू, देन आप पीसीएस बनोगे. तो अभी तो बहुत बड़ी लड़ाई बाकी है, बट इस चीज़ में हैक बहुत हैप्पी होने की वो नहीं है. बस हाँ ये है कि आपने एटलीस्ट ये स्टेप जो है एक थोड़ी सी कठिन जो स्टेप जो 1 है आपने उसको पार किया. बट जिन्होंने नहीं किया उन वो भी इस चीज़ में रहे कि मैंने इस बार नहीं किया, मैं नेक्स्ट टाइम करूँ. कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार रखें. तो जनरल की 91 to 95 है तो बिल्कुल फिक्स्ड है कि वो एकदम जो है अब पूरी तरीके से जुट जाए मेंस के लिए. ठीक है, इसके बाद एससी कैटेगरी की मैं 87 to 90 जाऊँगी, ये उनका है. और एसटी कैटेगरी के लिए 82 85 क्वेश्चन. ये मैं क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, आपको पहले बता दूँ ये मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ना कि नंबर बता रही हूँ, क्वेश्चन है ये. ठीक है, सेम फीमेल कैटेगरी के लिए मैं 82 to 85 मार्क्स पे जो है वो जाऊँगी कि इतनी उनकी कट ऑफ रहेगी. बट हाँ, अगर आपकी 80 से आप अबव हो तो प्लीज़ देखिए हम एक्सपेक्टेड बता सकते हैं, हमारा 98 99% सही हो सकता है. बट आयोग फाइनली आपको पता है आयोग के 2-4 क्वेश्चन में गड़बड़ी रहती है, वो उसको हटाता है, उसके प्लस पॉइंट देता है नहीं देता है, ये सब चीज़ें बाद में हैं. लास्ट टाइम अगर आप सबको याद हो तो हुआ क्या था कि लास्ट टाइम जब नॉर्मल हम पेपर दे के आए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो लोगों ने बताई थी, और जब आयोग के आंसर की निकली थी इसमें से सब के 7 to 8 क्वेश्चन कम हो गए थे. ये सब जिन जो जो पेपर दे रहे हैं जो 2-3 सालों से लगा था उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि सबके 7 से 8 क्वेश्चन एटलीस्ट मिनिमम 5 तो कम हुए ही थे आयोग की जो आंसर की आई थी. तो इस चीज़ में बिल्कुल नहीं रही कि अभी आपके जो बन रहे हैं वो आयोग की आंसर की आने के बाद भी उतने ही क्वेश्चन जो हों सही होंगे, हो सकता है 2-4 का वेरिएशन हो. तो आप अगर 80 है, इवन मैं ये कहूँगी अगर 75 आप प्लस हैं, 75 क्वेश्चन प्लस हैं, तो सारे ही लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें. और आगे मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी ताकि आप आगे की प्रिपरेशन बिल्कुल कंटिन्यू रखते जाइए और कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है. एंड आपके बाकी आपको जो लगता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपकी कितनी कट नंबर हैं और कितने आपके नंबर आए हुए हैं. एंड थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.